यूएसडीसीएचएफ एंड गोल्ड, यूएसडीसीएचएफ इवनिंग में आपको पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, जो भी लोग क्लास में थे, मीन्स क्लास 6 बजे के बजाय 5:30 बजे कर दी थी। एंड ये जो कैंडल रेड वाली कैंडल बनी थी, ये पे मैंने बोला इस कैंडल का हाई टूटते ही बाय कर लेना, एंड ये मूव आया था। एंड जब भी कभी किसी भी स्क्रिप्ट में 90 डिग्री का मूव आए, वो सस्टेन नहीं होता, प्रॉफिट बुक करना है। मैक्सिमम लोगों ने बहुत पैसा बनाया इसमें, मैंने भी बनाया, बाकी लोगों ने बनाया। सिर्फ एचसीयूएसडी में भी ये हुआ, गोल्ड जाएगा, क्योंकि गोल्ड का मैंने पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में मॉर्निंग में बता दिया कि गोल्ड में शार्प मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। एंड जब भी 90 डिग्री का मूव आता है, ठीक है, तो आपको हमेशा प्रॉफिट बुक कर लेना है कैंडल टू कैंडल ट्रेड करके। एंड उसके बाद देखिए प्राइस जहां था वहीं पे आ गया, टाइमली। एंड कभी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी वाइड रेंज कैंडल के अंदर एंट्री नहीं करनी है। जिसने भी वाइड रेंज कैंडल में एंट्री करी है, कैंडल थोड़ा सा प्राइस नीचे गया, पूरा रिवर्स हो गया। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, सब लोगों ने प्रॉफिट बुक करके अच्छा पैसा बनाया, ठीक है। ओके, सब लोगों को पता लग गया था ना, ग्रुप में देखा था। ओके यस 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 सर। ठीक है, तो ये वाली बात अभी छोड़ देते हैं, एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कब के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम कब के लिए करते हैं? आज के लिए। अब आप कहोगे सर आज के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो अभी तो मार्केट खुलेगा ही नहीं, ऐसे ही कहोगे ना है? मैं बोला आज के लिए करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आप क्या कहोगे, कल के लिए करते हैं? तो एक दिन पहले होगा सर, एक दिन पहले होगा, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ आज के लिए एनालिसिस करते हैं। एक्सनेस में अगर चल यही, रही मतलब यही रिकॉर्डिंग अगर मैं कल मॉर्निंग में पब्लिश करूंगा, तो जो भी वीडियो देखेगा उसको ये लगेगा आज के लिए हो गया ना। कल मॉर्निंग में जो भी जी उसको रिवाइज जी करेगा रिकॉर्डिंग को, तो उसके लिए आज के लिए हो गया ना, आज के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हायर चांसेस आज के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के क्या है ओपनिंग होने के, मतलब एक दिन पहले मैं कल वाली बात बोल रहा हूँ, क्या है? गैप अप ओपनिंग, ठीक है। अब हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, नंबर वन चीज, निफ्टी बैंक निफ्टी के चांसेस जो है वो गैप अप ओपनिंग के हैं। अगर प्राइस नॉर्मल ओपनिंग होता है, अगर प्राइस नॉर्मल ओपनिंग होता है, ठीक है, एंड पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है, तो फ्राइडे की तरह एक शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा। इस लेवल को बस प्राइस सस्टेन करना चाहिए, इस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए। क्या कोई भी कैंडल 18,950 इंपॉर्टेंट लेवल, इस लेवल से नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 15 प्राइस उसके नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर रहता है तो एक अच्छा ट्रेंडिंग बेस देखने को मिलेगा, एंड अगर गैप अप खुल जाए, ज्यादा बड़े गैप से खुल जाए, काफी शार्प मूवमेंट हो जाए, तो नीचे आएगा, तब पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बाद देखेंगे कि बाई करना है या सेल करना है। वेट करेंगे, नहीं करना है, कुछ भी करना है। गैप ज्यादा बड़े गैप अप से खुल जाएगा तो कुछ नहीं करना। स्टॉक्स जब ज्यादा बड़े गैप से खुलेगा तो स्टॉक्स काफी अच्छे ऊपर खुल जाएंगे, और उस टाइम पे कोई फायदा नहीं है सर ट्रेड करने का, फिर तो वेट ही करना है पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस का। एंड हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कैसा रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। ये आज के लिए भी रहेगा, आने वाले कुछ दिनों के लिए भी रहेगा, क्लियर है। निफ्टी का अगर हम देखेंगे, वीकली का देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले वीकली का एनालिसिस देखेंगे। तो वीकली में वीकली कैंडल रनिंग कैंडल है, क्लोज नहीं हुई अभी, ये देखना। एंड जब मैं ये वाली कैंडल थी, ठीक है, ये वाली कैंडल पहले नीचे गई थी, फिर ऊपर गई थी, और वापस नीचे आई थी लास्ट वीक। मैंने बोला था कि रनिंग कैंडल है और दोनों साइड के मूवमेंट हुए थे, सेम इसी कैंडल में भी यही मूवमेंट हुआ, दोनों साइड के प्राइस नीचे गया है देन ऊपर गया है, तो ये रनिंग कैंडल है, बिलीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी और प्राइस कहाँ है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड है, एंड इसके ऊपर अगले एक वीक की ग्रीन कैंडल बनने भी और एक्सपेक्टेड है। उसी चीज को हम समझेंगे डेली टाइम पर कि ट्रेड हमें कहाँ कहाँ करना है। अब प्राइस देखिए, इंपॉर्टेंट मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज इंपॉर्टेंट है कि प्राइस की एक हाईएस्ट क्लोजिंग आई कब, कब 21 जून को, ठीक है। उस हाईएस्ट क्लोजिंग के बाद प्राइस ने क्या किया, क्लोज दे दिया, क्लोज है ना, इस साइड की। अगर आप इस रेंज की अगर लोएस्ट क्लोजिंग देखोगे इस साइड की, तो प्राइस जो है 9 जून से लेकर के 21 जून, आपका ये कौन सा दिन है, 27 जून, 9 तारीख से लेकर 27 जून के बीच में प्राइस ने कंसोलिडेट किया है। उस कंसोलिडेशन फेज का क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट हो गया तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये डेली की कैंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं।
हमारे लिए ये डेली के इंपॉर्टेंट कैंडल है बिकॉज ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन जो होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोज होती है प्राइस उसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। मीन्स किसी भी दिन प्राइस अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है एंड लो टूट जाता है तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा मार्केट के यहाँ तक के लिए, अगर ऐसा होता है तो। नंबर वन चीज। दूसरी चीज, ये वाला इसका जो लो है, इसका लो कितना है 18,860। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होता है, इंट्राडे में नहीं, क्लोजिंग मीन्स मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं देता एंड ये कैंडल डिफेंड होती है इस लेवल पे, सस्टेन होता है, तो मार्केट के अंदर एक शार्प रैली देखने को मिलेगी ऐसी वाली। क्लियर है? इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये कैंडल है। ये इस कैंडल का नीचे तक प्राइस आ जाए कोई इश्यू नहीं है। ये कैंडल में प्राइस अगर सस्टेन कर रहा है डेली कैंडल पे, तो आने वाले दिनों में डेली कैंडल्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगी। अगर ये कैंडल के नीचे कैंडल कोई क्लोज होगी एंड उसका लो टूट गया तो प्राइस यहां आएगा सीधा। क्लियर है? ये तो आने वाले दिनों की क्लियर कट अप्रोच होगी। क्लियर करिए, भूलना नहीं है, ठीक है। अब डे ट्रेडिंग में अगर हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, जहां से प्राइस ब्रेकआउट किया है, जहां से प्राइस ब्रेकआउट किया तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे आएगा तो यहां पर रुक जाएगा, यानी यहां पर प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ये वाला लेवल है, छोटे छोटे लेवल है, यानी ये प्राइस का ये लेवल है जो आने वाले दिन नीचे गिरेगा तो रिएक्ट करेंगे। 15 मिनट में मैं दिखाता हूँ। एंड इससे ऊपर तो खुला नीला आसमान है, यानी क्या मतलब, ये 20 जो एम है वो ऐसे ऐसे होती रहेगी और प्राइस ऐसे 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 चलता रहेगा, ठीक है। कब आपका 20,000, 21,000, 22,000 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल की बात है। इस कैंडल का क्लोजिंग बेसिस पे SL है एंड टारगेट ऊपर की साइड बहुत अच्छे हैं अगर ये कैंडल सस्टेन होती है। यही चीज अगर हम 125 मिनट में देखेंगे निफ्टी की, ठीक है, तो 125 मिनट में नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट हुआ है एंड जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया पहली वाली कैंडल की डिमांड होगी। अगर प्राइस गैप अप खुलता है, प्राइस आता है तो यहां से रुकेगा, फिर बाइंग आएगी, फिर ऊपर भाग जाएगा। क्लियर? जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता तब तक प्राइस यहां तक नहीं आएगा, तो मैंने बताया इस लेवल तक। क्लियर है? कितना सभी को क्लियर है? अब 15 मिनट में देखते हैं। जी सर। अब 15 मिनट में देखते हैं तो 15 मिनट में अगेन मैंने बोला ना कि ये नीट एंड क्लीन डिमांड है ना, जहां से प्राइस ब्रेकआउट किया है, कौन सा लेवल 18,880 से लेकर के 18,870 मान निकल सकते हैं, ये वाला लेवल। इस लेवल पे आएगा प्राइस, 100% बाइंग आएगी, ठीक है, बाइंग आएगी, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर प्राइस गैप अप खुल, ज्यादा बड़े गैप से खुल जाए तो इस लेवल को भी रिस्पेक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब इंपॉर्टेंट लेवल यही है, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट लेवल एक आपका ये है, इस जोन के अंदर बाइंग आएगी प्राइस की अगर ऊपर से गिरता है तो, ठीक है। एंड ये जहां पे क्लोज हुआ प्राइस, जहां पे क्लोज हुआ, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं होना चाहिए इंट्राडे में। इसके नीचे प्राइस आपका क्लोज नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अगर प्राइस आपका नॉर्मल ओपनिंग होती है एंड कंसोलिडेट करता तो अगेन एक शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा एंड साइडवेज मार्केट की रेंज हो सकती है। अगर यहां आता तो बिल्कुल बाइंग आएगी प्राइस के अंदर। क्लियर है? इसके नीचे जब तक प्राइस नहीं आएगा तब तक प्राइस के अंदर कोई मंदी नहीं आएगी, तब तक निफ्टी पॉजिटिव ही है, तब तक कोई किसी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग नहीं, छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बस ऐसा कुछ स्पेशल मतलब शार्प मूवमेंट नहीं आएगा। इस लेवल के नीचे ही आएगा, जो भी आएगा इसके ऊपर है तब तक ह्यूज पॉजिटिव है। आप बाय करते रहो, जब भी पुल बैक ले तब एंड गैप अप खुल जाए बेचते रहो। बस इंपॉर्टेंट लेवल यही है जो आपका कल प्राइस ने जहां से ब्रेकआउट किया वही लेवल इंपोर्टेंट है। उस लेवल के नीचे डेली की क्लोजिंग नियान से आगे एंड अगले दिन लौट गया, मार्केट नेगेटिव हो गया, बस इतना ही है, इतना ही सिंपल है, अदरवाइज मार्केट कंप्लीटली पॉजिटिव है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जो बोला वही होगा, मार्केट तो वही होता है, अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला हूं तो वही हो। एंड बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी में क्या किया है, छोड़ देता है, बैंक निफ्टी ने पूरे दिन में एक कंसोलिडेशन दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, देखिए प्राइस पहले दिन ऊपर गया, निफ्टी साथ में ले गया, पूरा कंसोलिडेशन किया है, बैंक निफ्टी ज्यादा निफ्टी में मूव आएगा। अब प्राइस का क्या ये स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में प्राइस साइडवेज ही रहेगा, इस फ्रेश इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन होगा, देन प्राइस यहां पे कंसोलिडेट करेगा तो ही एक फ्रेश बाइंग आएगी एंड इसके नीचे सस्टेन होगा 44,100 200 मान के सकते हैं तो ही एक फ्रेश मंदी आएगी। इसमें ट्रेड मत करना, नो ट्रेड, सिंपलेस्ट बता रहा हूं आपको, कोई डेली वीकली या कुछ एनालिसिस नहीं कर रहा मैं, फिर भी दिखा देता हूं आपको। ये आपका बैंक निफ्टी यहां पे फंस गया है इनसाइड में,
एंड इसके अंदर बाहर अगर होता है तो ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। एक अच्छा मतलब स्केल्पिंग कर सकते हैं, अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पर ट्रेड मिलेगा, इसके ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट पर मिलेगा। बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ वीकली में, देखिए बैंक निफ्टी को, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वीकली के अंदर देखिए बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास है, पास है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज अच्छी है कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अभी आई नहीं है, मतलब कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन हो जाता इस वीक में, क्या अगर बैंक निफ्टी कल अगर नीचे नहीं आता एंड ये जो आपके वीकली की जो 22 मई की जो क्लोजिंग थी इसके ऊपर कल क्लोज दे देता है, तो यही कैंडल डिफेंड अगर करती है तो निफ्टी जैसा हाल होगा, कैसा मूव करेगा ऐसा हाल, नहीं तो ये स्ट्रक्चर इसका क्या, ये आपका वीकली का एक स्ट्रक्चर है। अगर आपका प्राइस ऊपर नहीं जाता दोनों से मेरे बताओ, ये वीकली का एक स्ट्रक्चर है, ये ओपनिंग आपका क्लोजिंग पॉइंट है एंड ये वाला ओपनिंग पॉइंट है कि प्राइस इसके अंदर ही हो गया, तो इधर की साइड जब भी प्राइस आएगा नीचे तो वीकली के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा एंड प्राइस के हाई चांसेस होंगे इधर या नीचे आने के। इसके ऊपर है तब तक पॉजिटिव है एंड बीच में इन साइड कर लें कंप्लीटली साइड में जाए, जैसे आपको डेली में दिखाता हूँ लास्ट कुछ दिनों से क्या कर रहा है निफ्टी, काफी दिनों से ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा कंसोलिडेशन है। देखिए इस साइड के देखेंगे आप हाईएस्ट क्लोजिंग ये है, मैं हमेशा हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्लोजिंग को परफॉर्मेंस देता हूँ एंड आपकी लोएस्ट क्लोजिंग है, ठीक है। तो प्राइस क्या है, प्राइस इस टॉप पे जब जाता है तो सेलिंग आ जाती है एंड यहाँ पर प्राइस के अंदर बाइंग आ जाती है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि प्राइस अगर ये वाला डेली जो कैंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ, प्राइस को ऊपर जाने के लिए ये जो इसका ओपनिंग पॉइंट है और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। कोई भी 15 मिनट की कैंडल जो क्लोज होगी, ध्यान से समझ लीजिए, डेली डेली टाइम फ्रेम में कोई भी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल जो अच्छी हेल्दी कैंडल होनी चाहिए, वाइड रेंज कैंडल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए, कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होगी एंड वो कैंडल के नीचे मार्केट नहीं आता है एंड उसको प्राइस रिस्पेक्ट करता है इस कैंडल को, ठीक है, तो प्राइस वन वे ब्लास्ट होगा, क्लियर है। एंड ये जो कैंडल है, ये जो इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है, इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, कोई भी 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होगी, जो बता रहा हूं वैसा ही होगा, इसलिए मिस नहीं करना चाहता।